तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये है कि आपको रिड्यूसेबल फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे देखो, 2 by x + 3 by y = 13 दिया हुआ है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, और 5 by x - 4 by y = -2। देखो यहाँ 2 by x, 3 by y, 5 by x - 4 by y आसान दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि 1 by x को मैं क्या ले लूंगा, p ले लूंगा, क्योंकि हमें लोग इस तरह का सोल्यूशन नहीं किया हमने। हम लोग इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे इस तरह का, ax+by + c = 0, इस तरह करेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 by x को p ले लिया, और 1 by y को मैं क्या ले लेता हूँ, q। अब मैं देखो तो 2 by x मतलब 2p, और ये क्या बनेगा, 3q। ये किसके बराबर हो जाएगा, 13, और इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा 5p - 4q = -2। अब मैं इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ। तो मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखो कॉफिशियन क्या है, 5, यहाँ पे कॉफिशियन क्या है, 2। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10। तो 2 5 का एलसीएम 10 आ रहा है, तो मैं दोनों को कॉफिशियन को 10 करना है। तो जब दोनों को 10 करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 2 5 या 10, 5 या 10, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो दिस विल बिकम 10p + 15q = 65, और यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p, और ये हो जाएगा 8q = -4। अब मैं सब्स्टिट्यूट इसको क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाते हैं। ये कट गया 15 + 8 क्या होगा, 15 5 20 और 23q, और ये कितना हो जाएगा, 65, और +4 69 आ गया, ठीक है। तो क्यू क्यू क्या होगा, क्यू होगा 69 by 23, मतलब 3। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो Q की जब वैल्यू 3 आ गई, तो इसमें पुट कर देता हूँ, और 5 की P की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इसमें रखूंगा अगर मैं, तो 2P, किसी में भी रख लो, आप इसमें रख लो या इसमें रख लो, आंसर सेम आएगा। तो 2P और Q की जगह रखूंगा तो 9 = 13, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2P = 13 - 9 = 4। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमारा सॉल्यूशन तो सिर्फ पी और क्यू आया है, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहाँ रखूंगा पी की जगह क्या रखूंगा, 1 by x। तो पी की वैल्यू कितनी आई है, 2, और 2, और ये पी की वैल्यू हमने क्या लिया था, एक्स। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 1 by 2। ये हमारा सॉल्यूशन है। उसी तरह हम लोग वहां भी रखेंगे 1 by y = 3, क्योंकि क्यू की वैल्यू 3 आई है, तो y = कितना होगा, 1 by 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो और एक कोई वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेट्स वेट फॉर दैट। एक तरह का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वो ये है कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि ले सपोज ये आपकी नदी है, अभी ऑब्वियसली पानी जो होता है हमेशा पहले ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। तो पानी अगर इधर पे ऊंचा होगा, इधर नीचा होगा, तभी पानी ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर मान लो पानी ऊपर की तरफ होगा, तो पानी उधर से नीचे आएगा, उधर जा नहीं सकता, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, दो वेलोसिटीज होती है। एक ये हमारा बोट है, बोट ये हमारा बोट है, ठीक है, बोट, और एक ही रिवर। तो ले सपोज मैंने बोट का जो वेलोसिटी है उसको एक्स ले लिया, और रिवर का जो वेलोसिटी है उसे वाई ले लिया। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि ये जो पानी का जो धार है वो इस तरह है। तो अप स्ट्रीम में क्या है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जिधर से पानी बह के आ रहा है हम लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब पानी ऐसे जा रहा है तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा कि मान लो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी डायरेक्शन, और ये जा रहा है इधर की तरफ, तो जो नेट वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे x - y। x - y क्यों हुआ है, y - x क्यों नहीं हुआ है, भाई ये सोचो कि अगर मान लो इसकी रफ्तार ज्यादा है और इसकी रफ्तार कम है, तो ये क्या ऊपर जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। इसकी रफ्तार ज्यादा होगी तभी तो ये ऊपर चढ़ पा रहा है, इसलिए हम लोग एक्स में से वाई को सेपरेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि ये पानी अगर मान लो इधर की तरफ तो बह ही रही है, ये जो होगा ये क्या होगा, ये भी इसी के रफ्तार, जिधर पानी बह रहा है उसी की तरफ ये भी जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। मतलब ये देखो डाउन में जा रहा है, आपका मतलब ऊपर जा रहा था। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जो बोट का स्पीड और फास्ट हो जाएगा, बोट का स्पीड फास्ट इसलिए हो जाएगा, एक तो उसकी अपनी वेलोसिटी है और एक पानी की अलग वेलोसिटी है, दोनों क्या करेंगे उसको फोर्स देंगे अच्छे खासे, तो और स्पीड में ज्यादा पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये अप स्ट्रीम का था, अप स्ट्रीम में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा,
ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस यही है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, समझ में आया। एक्स माइनस वाई क्यों हुआ, एक्स प्लस वाई हो। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि एक तो वाटर की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी होगी, और एक हमारा बोट का वेलोसिटी होगा, और वो और तेजी से जाएगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या है कि एक तो वेलोसिटी वाई की इस डायरेक्शन में, वो तो पहले से फिक्स है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ये उसको रोकना चाहेगा लेकिन ये जाना चाहेगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी दोनों की। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई लगाया, और एक्स इसलिए लिया हमने पहले क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इससे तभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं तो उसके साथ साथ नीचे चला जाता, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं एक्स वाई टर्म में, एक क्वेश्चन है, आप इसको लिख लो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। एक बोल रहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, और टाइम कितना लगा, 10 आवर्स। इन 13 आवर्स, 13 घंटे में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, और 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। तो बताओ कि स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है और बोट की स्पीड क्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज एक्स किलोमीटर पर आवर, और वो कब होगा, स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब क्या है, जब पानी दम रुका हुआ है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब वाई की कोई वेलोसिटी नहीं है, वो पानी जो है रुका हुआ है। स्टील वाटर में हमने क्या ले लिया कि इसकी जो वेलोसिटी है एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो स्ट्रीम की स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, वो है वाई किलोमीटर पर आवर। तो एक्स का स्पीड क्या है, एक्स वो कब, जब स्टील वाटर, जब कोई भी स्ट्रीम नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी पानी का रफ्तार नहीं है, और y किलोमीटर पर आवर जो है वो स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में देखो, जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो x माइनस वाई, और जब डाउन स्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों को वेलोसिटी ऐड हो जाते हैं, अप स्ट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी जो है ना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बताओ, आपने पढ़ा होगा ना ये रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये पढ़ा है आपने। तो बताओ टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 घंटे जब चलता है तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है और 45 किलोमीटर जो है वो आपके इसमें चलता है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है। तो ले सपोज जो सिर्फ जाने, तो अगर हम लोग सिर्फ T1 ले रहे हैं, T1 का मतलब क्या है कि सिर्फ अप स्ट्रीम जा रहा है, उसकी कितनी टाइम लगेगी, T1 हमें नहीं पता है कि T1 कितना लगेगा, वो जो दिया हुआ है ना 10 आवर्स, ये दोनों कंबाइन दिया है, 30 किलोमीटर ऊपर गया, 44 किलोमीटर नीचे आया, तो दोनों कंबाइन टाइम लग रहा है 44। तो मैं ले लेता हूँ लेस T1, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है, और अप स्ट्रीम का वेलोसिटी क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा क्या होगा हमारा T2, और T2 क्या होगा, T2 क्या है, डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ कितना है, 44, और उसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, और हमें T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ है, T1 प्लस T2 जो दिया हुआ है वो 10 आवर दिया है, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि 13 आवर्स में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55, तो उसको भी हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे, तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। लेट सपोज उसका T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई, और T2 इज इक्वल टू है 55, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और इसमें जो T1 प्लस T2 जो होगा वो होगा 13 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में 1 बाई x माइनस वाई, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें, ये वाले को मिटा देता हूँ। तो अब मैं जो ये आया है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 30 डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखो T1 प्लस T2 इक्वल टू 10, और उसके बाद उसको भी लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस
55 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और वो कितने बराबर है 13। अब ये देखो आपको रिड्यूसिबल फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि यहाँ 1 बाई एक्स माइनस वाई है, वहाँ x x प्लस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई x प्लस वाई है। तो मैं क्या करता हूँ 1 बाई एक्स माइनस वाई को t ले लेता हूँ और 1 बाई एक्स प्लस वाई को q ले लेता हूँ और ये रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये दिस विल बिकम 30p, दिस विल बिकम 44q इक्वल टू 10, और ये क्या बन जाएगा हमारा 40p प्लस 55q इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है रिड्यूसेबल फॉर्म में। आप कर सकते हो इसको टेंस, आप इसको अभी 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 को डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम 15, दिस विल बिकम 22 एंड दिस विल बिकम 5। अब आप 15 और 40 का एलसीएम निकाल लो, निकालने के बाद आप उसको दोनों का कोफिशिएंट सेम कर देना, कोफिशिएंट सेम करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, पी कट जाएगा, क्यू की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, क्यू की जो वैल्यू आएगी उसको आप सॉल्व कर लेना यहाँ से, जो क्यू की वैल्यू आएगी जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वहाँ से हमें क्या निकल के आएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, और फिर जो पी की वैल्यू आएगी तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो मेरी ये आई है वो 1 बाई हमने 1 इसको पी की वैल्यू आई है वो मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, पी की वैल्यू आई है 1 बाई 5 और Q की वैल्यू आई है हमारी 1 बाई 11। ठीक है, अब जो हमने निकाला है P की वैल्यू क्या है 1 बाई x माइनस y इज इक्वल टू 1 बाई 5, और Q की वैल्यू क्या है 1 बाई x प्लस y इज इक्वल टू 1 बाई 11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, तो दिस विल बिकम x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड दिस विल बिकम x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब इसमें भी फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, देखो x माइनस y इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 16, x की कितनी वैल्यू आ गई 8, मतलब जो स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होगा पानी का बोट का वो 8 किलोमीटर पर आवर होगा, और x की वैल्यू वहाँ अगर मैं रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम की वेलोसिटी है और ये हमारा बोर्ड की वेलोसिटी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, इसे ज़्यादा ये थोड़ा ज़्यादा टफ है क्योंकि एक तो यहाँ से सॉल्व किया फिर उसके बाद ये किया, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने का कम ही चांस है, लेकिन आप जो अप स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम में पढ़ो ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो होप आपको ये चैप्टर कम्प्लीट समझ में आ गया होगा। कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी क्वेश्चन पूछने हो आपको, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट पोस्ट कर देना, मैं आपको हेल्प करूँगा, वहाँ से आंसर करूँगा जरूर। ठीक है, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।